भगवान से आज 13 दिसंबर का दिन मंडे की शाम साइंस अकेडमी के साथ कुछ सम्स लेके आया हूँ 3.3 के सिंपलीफाइड क्वेश्चंस, ठीक है। इन प्रीवियस वीडियो में आपको सर्च बताए थे, अब उन सर्च की सिंपलीफिकेशंस भी आती है। क्या आती है? सिंपलीफिकेशन। तो आज मैं आपको सिंपलीफिकेशन का सिखाने जा रहा हूँ। यार वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का मैच भी है, देखो क्या होता है। डाढ़े आ गए हैं वेस्ट इंडीज से, पाकिस्तान की ले ना ले। लेकिन नहीं भाई, सरफराज भी है, रिजवान भी है। अरे सरफराज नहीं है, रिजवान है भाई, क्या हो गया, पठान रिजवान है ना, रिजवान भी है। ओए बाबर आजम अपना कोहली, उसके से कौन था वो इंडिया के लिए, कोहली को मिली थी। कौन मिली थी कोहली को? अनुष्का। इंशाल्लाह बाबर आजम को मिलने वाली है अनुष्का। तो इनकी भी शादी हो जाएगी, कोई ना कोई मिल जाएगी बाबर आजम को। चलो बाबर आजम भाई अच्छे बैट्समैन हो गया आज का हमारे पास। उसकी बैटिंग देखी तुमने, क्या क्लास शॉट खेलता है। एक बात है, बाबर आजम को सिंगल लेना नहीं आता, सिंगल नहीं करता वो, सिंगल डबल नहीं करता। करता है सिंगल डबल, तुम बताओ शयान। क्या करता है, क्या हो गया, कैसा है, क्या है, सही तो है ना, सब कुछ करता है। चलो सही सही, चलो कोई नहीं, सिंपली फाइव आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखे बेटा, मैं आपको समझाता हूँ आज सर्च के बारे में ना। तो मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, और जो पार्ट आपको समझ ना हो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दिया करो। बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं आप सबकी वीडियोस को तो बना तो दूंगा, लेकिन आखिर जो आपको चाहिए उसको पहले पूछे मुझसे, ठीक है। प्लीज मेन कमेंट कमेंट पूछा करें, सर हमें ये समझा दें, हमें ये समझा दें, बोले तो हम बोलते ही नहीं है। देखो बेटा अब सर्च को सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का वही रूल बचपन का रूल हमने जो किया था, जैसे कि आप पॉन्स पे वैल्यूज आती हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या लेते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा बच्चों वाला, क्या लेते हैं, एलसीएम। 10 जो आ गया इसका एलसीएम आ गया भाई, है ना भाई। अब 10 में 10 कब आता है, अब चेक करते हैं उसके बाद 10 में 10 कब आता है, 1 टाइम। तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 आ जाएगा, √2 1 था, √2 यहाँ क्या था, 1 था, है भाई। आप क्या करें, 1 को इससे करें, 10 को इससे करें, यानी कि 10√8 आ गया भाई, क्योंकि 1 में 10 कब आता है, 10 10। तो मैंने इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10√8 हो गया, है भाई, कुछ भी नहीं किया। देखो अब तुम्हारा समझ क्या किया, मैंने एलसीएम लिया, 10 एलसीएम आ गया था, 10 को 1 से किया चेक के, 10 10 कब आता है, 1 10। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, 1 से इसको भी कर दिया मैंने। 1 में 10 कब आता है, 10 टाइम्स, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई किया, 10 को मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको हमें √2 है, यहाँ क्या √8 है, √8 को हम करते हैं यहाँ पे सॉल्व, 2 × 2 × 2, दो नंबर रूट सेम है, तो ये हो गया 2√2 के बराबर, ये बन गया 2√2 के बराबर। तो हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू इसको, 8 बन गया क्या, 2√2 के बराबर, और यहाँ क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन 10, 10 टू से कितना हो गया, ओह 20, गुड गुड, 20√2/10। क्या करना है, ओह अलग कर दो बस, अलग कर दिया इसको, 10 से अलग कर दिया, 20/10 अलग, √2 कर दिया, 10 से 10 कैंसिल, ये कर सकते हैं, और आपका ये आंसर आ गया भाई, √2/10 + 2√2/1। लिखो यार, लिखो बात है कि ये आंसर है भाई, शायद इजी है, झूठा आदमी करके दिखाते थे इसी। चलो भाई ध्यान होता है, बेशक याद ही मिलता है बेटा बना आजकल। कोई नहीं बेटा, नाउ नेक्स्ट सम जो है हमारे पास वो है √17 part 7, ठीक है, part 7 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सर्ड के साथ 17 सर्ड कहते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, सर्ड 17 − 2। अब मैंने क्या बताया था आपको, मल्टीप्लीकेशन समझाया था मैंने, जब
ए कोई ब्रैकेट के बाहर हो तो बल्कि क्या होता है, क्या होता है, ए बी जा ए बी ए सी जा ए सी, ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर के बाहर होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है भाई, रूट 17 जिससा 10 एक बार आएगा, रूट को एक बार लिखा 17 मल्टीप्लाई बाय 17 कर देंगे, माइनस इसको फिर इससे करेंगे 2 एक बार का एक बार आएगा, 17 तो रूट के अंदर है तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17 कर देंगे भाई, 10 सेम आ गया, दो नंबर सेम थे एक बाहर आ जाएगा, दो नंबर सेम थे एक बाहर आ जाएगा, 10 17 से कितना होता है 170, 2 17 से कितना होता है भाई 2 7 से 14 पर 234 होता है भाई। 34 में से कितने माइनस करो, कितने बचते हैं 32, 34 माइनस कर दो भाई कितने बचेंगे, 6 बचा, 3 बचा 133, 133 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ये इसका सेकंड पार्ट था। ठीक है भाई, देखो सॉल्व करना आसान होता है, वही मेथड अप्लाई होते हैं, कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने तो सॉल्व किया, मैंने बस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व हो गया, सर इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। चलो नाउ मैं थर्ड पार्ट बताऊंगा आपको, आज वीडियो का लास्ट पार्ट 3 बार करवाऊंगा बेटा मैं, और मुझे बोलते जाए कमेंट के बॉक्स के अंदर जो आपने समझना हो, एक्सरसाइज 3.3 में देख लीजिएगा, इसके बाद मैं एक्सरसाइज समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट दे दूंगा आपको, आप उससे सॉल्व करना, और जो नहीं आए क्वेश्चन में मेंशन कर दें, चैट रूम बॉक्स में मेंशन दिया हुआ है ना आपको यूट्यूब में, वहां मेंशन कर सकते हैं आप लोग। भाई हमें क्या बताया ना, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, अब क्या याद आता आपको, आई होप सो कि फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है ए प्लस बी का ए माइनस बी का, है याद आता फॉर्मूला, ये है आता होगा भाई, सही बात है, ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स यहाँ देखते हैं वी नो दैट, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या आपके पास फर्स्ट वैल्यू, बी क्या है सेकंड वैल्यू, ये ए है ये ए है ये बी है ये बी है, ए पे क्या गया 13 आ गया, इसको ओपन फॉर्म को मैंने क्लोज कर लिया, ओपन फॉर्म को मैंने क्लोज फॉर्म में लिख लिया, ओपन फॉर्म थी पूरी, स्क्वायर रूट कैंसिल 13 आ गया, स्क्वायर रूट कैंसिल 11 आ गया, 30 माइनस 11 कितना होता है 2, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये थी आज की वीडियो में सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज 3.3 की, कुछ शॉर्ट समझाए थे मैंने, अब जो सबको समझ में नहीं आया तो मेंशन कर दे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दूंगा, 4 के बाद में स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइजेशन जो 3.4 है, सो वेट फॉर द माय नेक्स्ट लेक्चर, सी यू सून, और कुछ ना समझ में आया तो बता दीजिएगा चैट बॉक्स में।